बड़ी बातें करना, दादागिरी करना, पैसा खर्चा करना, ये केस स्टडी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़के को उसके माँ बाप मेरी तरफ लेके आए, उसको फंसा के लाए। फंसा के मतलब ऐसा कि वो तैयार नहीं था आने के लिए, तो चलो हम तुमको बाइक खरीद के देंगे। वो हिसाब से उसको हमारे शहर में लाया उसको, और बाइक खरीदने के बदले मेरी तरफ लेके आए। तो जब वहाँ आ गया हॉस्पिटल में तो बहुत ही वो वायलेंट हो गया, बोले हॉस्पिटल में तुमने लाया, मुझे तो बाइक चाहिए थी, और बाइक भी उसको 2 लाख रुपए की चाहिए थी। तो बोले ये चलता नहीं ऐसा, मैंने उसको समझा दिया, शांति रख ऐसा बोल के उसको मेरे पास में लाया। मैंने पूछा क्या है, तो बोले हम इसके सामने तो कुछ बोल ही सकते नहीं क्योंकि ये बहुत ही वायलेंट हो जाता है। बोला मैंने ठीक है आप बाहर बिठा उसको, तो उसको बाहर बिठा दिया। फिर माँ बाप ने ये बोला कि भाई मेरे सामने पूरा है लिखा हुआ कि भाई उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं है, 16 साल का लड़का है, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं है, दिन भर घूमते रहता है, दोस्तों की बहुत मानता है, दो जैसा बोलेंगे वैसा करता है, दोस्तों के लिए पैसा भी खर्चा करता है, हरदम मोबाइल के ऊपर है, और उसको अलग अलग मोबाइल होते जाए, नया मॉडल आ गया उसको नया मॉडल होना, पिछले 2 साल से चल रहा है, 2 साल से कंटिन्यूअसली काम बिल्कुल करता नहीं, पढ़ाई करता नहीं, 1 साल में 3 स्कूल बदल दिए, क्योंकि उसको वो टीचर्स अपोज करते हैं, तो उसके पिताजी हाथ पैर जोड़ के स्कूल बदला रहे हैं उसकी, और 1 साल में 3 स्कूल उन्होंने बदल दिया। बहुत ज़्यादा घमंड है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा है, अहंकारी बहुत ज़्यादा, दूसरों के सामने ऐसा पैसा खर्च कर देना बहुत, और पैसा घर पे नहीं दिया तो वायलेंट होना नहीं, अपन तो बहुत बड़े, अपने पास में बहुत पैसा है, जायदाद बहुत है, पैसा निकालो, रोज 500-1000 रुपये लेंगा, पैसे उड़ाएंगा, और है भी पैसे ज़्यादा तो देते भी है माँ बाप, रात भर मोबाइल पे रहेंगे, खेलते रहेंगे, और सब लोग जो है उसके बड़े बड़े दोस्त है, बड़े बड़े घर के लोग वो उसके दोस्त है, और बाहर दादागिरी भी करता है उनके साथ में। बाहर रहने के बाद में फिर घूमता है, घूमेंगा फिरेंगा, बाइक तो अभी तक 2-3 बदल दे दिया, और भी बाइक उसको होना है इसलिए उसको लाया, और फिर बाहर गया एक बार तो फिर शराब पी के आएंगा, फिर शराब पी के आएगा तो बहुत ज़्यादा शराब पिएंगा तो फिर उसको उठा के लाना पड़ेगा, या फिर थोड़ी शराब पियूंगी तो फिर बहुत बहकी बहकी बातें करके शोर करेगा। तो इस तरह का ये पहले है कि, और दोस्त लोग जो है वो सब ऐसी है, और खुद को बिल्कुल मानते नहीं कि कुछ मुझे प्रॉब्लम है, अगर उस वक्त कि नहीं नहीं मेरे तो संबंध है, और कुछ भी हो गया तभी वो धौस देता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। अब बाबा को क्या लगता है कि नहीं ये कुछ उसको उसके मन के खिलाफ कर दिया तो खुदकुशी करेगा, वो खुदकुशी करने का हथियार वापरता है, वो ब्लैकमेलिंग करता है माँ बाप को कि नहीं ऐसा करेंगे मैं खुदकुशी करूंगा। अब माँ बाप बोलते हो कर लिया सच्ची, तो उनको डर लगता है उसको। फिर मैंने बोला ठीक है उसको बुलाओ अंदर, फिर उसको अंदर बुलाया, पूछा तो बहुत ही हैप्पी गो लकी, मतलब है ना ये जो मूड डिसऑर्डर जो रहते हैं, हाइपोमेनिक रहते हैं, उनके साथ में बात करने में अपने को मजा आता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत प्लान्स है, खर्चा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसी बातें, बोले मेरे को तो प्रधानमंत्री को मिलने जाना है, फिर मुझे तो बहुत बड़ा मकान लेने का है, बहुत बड़ा आदमी है, तो भी कर रहा क्या है, मैंने बोले अभी 12th में गया हूँ, और 12th में गया फिर अभी करना क्या, नहीं अभी डिसाइड नहीं किया, फिर प्रधानमंत्री कैसे क्या बनेगा, नहीं नहीं वो तो अपने को बनना ही है, मेरा तो अभी संबंध है प्रधानमंत्री के साथ में, मतलब ऐसे ये लोगों के साथ में बात करने में भी अपने को मजा आता है। तो ये कभी कभी एकदम शांत हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, रहेगा कुछ 2-4 दिन अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लो में आ जाएगा आप ही आप नॉर्मली, फिर थोड़ा सा हाई चले जाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा यदि अपोज किया तो, नहीं तो मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उसको बोले पिताजी उसको बोल रहे थे कि उसके साथ में रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मैनिक टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं था, मगर सह सकते हैं, मगर तभी भी ज़्यादा है पैसे के हिसाब से खर्चा करना, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोला तो आक्रामक हो जाना। तो हमने बोला ठीक है इसका भी इलाज करते हैं। क्या होता है कि इसमें अलग अलग मेडिसिन्स है, ये जो हाइपर डोपामिनर्जिक सिंड्रोम उसको हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डोपामिन सिक्रेशन होता है ब्रेन में, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, है ना, ब्रेन में डोपामिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, सेरोटोनिन लेवल्स की बहुत मतलब हाइपर हो जाती है, लेवल बढ़ जाती है, तभी उनको तो नॉर्मल करने के लिए अपने को मेडिसिन देनी पड़ेगी, और मेडिसिन दे के फिर मूड स्टेबिलाइजर जो है सोडियम वैलप्रोएट बोलो या फिर लिथियम है वो हम देते रहते हैं, और हाई डोज में देना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज लो डोज रखा थोड़ा सा और उसको उठने दिया तो भाग जाता। तो उसके पिताजी माताजी उनको रखा साथ में बहुत ज़्यादा डोज की, जैसा कि वो सिर्फ खाने को उठे और खाना खा के फिर सो जाए, इस तरह का उसको रखा, और धीरे 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 15-20 दिन में उसको आराम आते गया। उसकी सीरम लिथियम लेवल्स हमने किया वो नॉर्मल मतलब एवरेज में आ गई, और वहाँ से दिखा कि कंट्रोल में आ रहा है,
सीरम लिथियम लेवल एडिक्वेट थी और हमने दोनों भी चालू किया। एक्चुअली इतना वायलेंट था, हमने सोडियम वेलप्रेट और लिथियम दोनों भी चालू कर लिया, उधर एंटीसाइकोटिक चालू है और उसके साथ साथ बातचीत करना चालू रखा उसके साथ। क्या होता है, ये लोगों को अपोज किया तो उनको बहुत डर लगता है कभी कभी कि नहीं अपने को ये रखेंगे हॉस्पिटल में वगैरह। मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे को बनना है प्रधानमंत्री, चलो मैं तेरे साथ में हूँ, चल पहले इलाज कर, शांति रख, पहले सो जा, आराम कर। मतलब उनके साथ में रहना, उनके साथ में उनके वर्ल्ड में जाना और बहुत अपोज नहीं करना, सुन लेना, ऐसा भी किया उनको तो अच्छा लगता है और धीरे 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 वो रिकवर होते गए। तो ये मूड स्विंग्स कभी कभी शुरुआत जो होती है वो मूड स्विंग से होती है ना, और फिर हाइपोमैनिया के लेवल पे आ जाता है। हाइपोमैनिक पर्सनैलिटी जो रहती है लोगों की वो ज़्यादा प्रोन है इसमें हाइपोमैनिक होने के लिए, कभी कभी ये मैनिक एपिसोड में चले जाते हैं। ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारे यहाँ ना ऑनलाइन काउंसलिंग उपलब्ध है, आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारी टीम है डॉक्टर लोगों की और वो सलाह देते रहते हैं, आप कॉल करके हमारा हमारे अपॉइंटमेंट ले लो और सलाह ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।